हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वेब। अभी ये हफ्ता ऐसे ही चला गया, काम करते करते गुजर गया हफ्ता एक और। अभी कुछ दिनों में साल भी खत्म हो जाएगा एंड देन इट वुड बी अ न्यू ईयर 2023। तो अभी ये वीक है, मतलब काम तो रहेगा ही, बट इट वुड बी काइंड ऑफ चिल बिकॉज अभी नेक्स्ट वीक से मोस्टली हॉलीडेज है, क्रिसमस टाइम एंड एंड ऑफ द ईयर। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स भी आ रहे हैं, लाइक मिशिगन से आ रहा है, कोई ओहायो से आ रहा है, वो लोग टेक्सास घूमने आ रहे हैं। तो नेक्स्ट वीक पूरा प्लान यही है, बाहर घूमने जाने वाले हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो घर पे है, तो घर का ही व्लॉग बनाना पड़ेगा, बाहर का अभी प्री फ्यूचर व्लॉग अभी नहीं बना सकते। तो अभी घर पे आज हमारे चल रहा है थोड़ा तैयारी, नाश्ता मेकिंग, तो लेट्स गो एंड डाइव इन, देखते हैं आज क्या किचन में। तो ये है हमारे शेफ मैडम जो सब नाश्ता का टेक केयर कर रहे हैं, रेसिपीज ऑल बाय हर। तो क्या बन रहा है आज? आज बन रहा है दिवाली में जो हम बनाते हैं पोहा चिवड़ा, मराठी में उसको पोहे का चिवड़ा बोलते हैं, पोहेचा चिवड़ा, पोहेचा चिवड़ा। तो वो ट्राई कर रहे हैं, अभी मैं फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, पर मैंने वहाँ पे इंडिया में बनाया है मम्मी की हेल्प, मतलब मैं उनको हेल्प करती थी मम्मी को, देखते हैं अभी कैसा बनता है। खाने लायक तो बनी जाए वो तो गारंटी है तो देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। तो पहले मैंने ये पोहा सेक के रखा है, इसमें तेल, हल्दी थोड़ी सी और नमक डाल के इसको पूरा सेक के रखा है। तो ये आप देख सकते हैं ये पूरा एकदम कड़क हो चुका है अच्छी तरह से, मराठी में उसको बोलते हैं कुरकुरीत हो चुका है एकदम, जैसे चिवड़ा होता है वैसे। ये है राई, तिल, ओवा मतलब अजवाइन, ग्रीन चिली, पीनट्स, ये ड्राई कोकोनट के चिप्स हैं, और ये चने की दाल है, और ये है करी लीव्स मतलब कड़ी पत्ता। अभी इसको देते हैं तड़का। तो ये आपने देख लिया इंग्रेडिएंट, तो अभी जाएगा इसमें तड़का, तो अभी प्राप्ति इसमें तड़का लगाएंगे। ये है ग्रेप्स, ये नाश्ता बनाते वक्त खाने के लिए नाश्ता, और ये गया, और बाद में जाएगा ये, और उसके बाद अच्छी तरह से सेक के बाद में डाल देंगे पोहा। तो अभी ये सब तड़तड़ना चालू हो गया है, अभी इसको थोड़ा ब्राउनिश कलर आएगा तब इसको बंद करके इसमें जो पोहे हमने पहले से सेके हुए वो डाल देंगे। तो हो गया पोहा चा चिवड़ा। तो गाइज आप देख सकते हैं ये चिवड़ा अभी है रेडी, इसमें दाना भी है और ये यहाँ पे कोपरा भी है, कोपरा मतलब कोकोनट। तो सब रेडी, अभी ये थोड़ा गर्म है, इसको होने देते हैं थोड़ा ठंडा और इसको बाद में करेंगे टेस्ट। और तो एक पड़ाव खत्म, चिवड़ा सक्सेसफुली डन। तो ये हमारे चिवड़ा शेफ, तो सोचा नहीं था कि इतना अच्छा होगा, देख दिख तो मस्त रहा है, लेकिन अभी ठंडा होने दो, बाद में ही पता चलेगा। तो बहुत दिनों के बाद ऐसा चिवड़ा खाया, बाकी हमने ऐसा पूरा प्रोसेस वाला चिवड़ा यहाँ पे तो मोस्टली तो ऐसा ही मिलता है। हाँ, तो मतलब जो बाहर वाला मिलता है और स्वीट होता है। जब से यहाँ पे मैं तो 5-6 महीने हो गए आए, मैंने तो लास्ट लगता है मेरे को मैंने लास्ट दिवाली में ही खाया था मस्त है, पर मजा आ गया क्योंकि जो क्रंचीनेस आएगा ना, वो जो पीनट और कोकोनट का मजा आ जाएगा। यस, तो आज नया दिन, नया नाश्ता बना रहे हैं। तो कल जो हमने पोहे बनाए थे, जो पातल पोहे थे चिवड़ा बोलते हैं उसे, वो भी वो रेडी है। आज तो मजा ही आ गया, दिखाता हूँ अभी। और आज कुछ बन रहा है नया नाश्ता, वो भी देखते हैं। तो ये है पातल पोहे चिवड़ा, ठंडा होके मस्त डब्बा वब्बा में पैक कर दिया। और ये जो असली मज़ा है ना, ये पोहा तो ठीक है, लेकिन असली मज़ा ये जो कोकोनट है, ये पीनट है, ये जो दाल है, हाय हाय हाय, और बीच में ये एक मिर्ची आती है, मज़े ही मज़े, बहुत मज़े। और अभी आज बन रहा है दूसरा नाश्ता, जिसकी प्रिपरेशन यहाँ पे चालू है। तो ये है उसका पीठ, ये है तेल, और ये है डिवाइस। तो चलिए अभी देखते हैं इससे कौन सा नाश्ता बनेगा। तो ये हमारा डिवाइस हो चुका है एक्टिवेट, अभी ये जाएगा नाश्ता अंदर, और ये हो गई हमारी शेव। आहा,
जस्ट वो आवाज ही इतना मस्त है, कर 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 कर। और ये से डालने में भी इतना मजा आता है ना, बनाने में भी मजा आता है एकदम, खाने में तो आता ही है। ये से पूरा राउंड, पूरा हलवाई की दुकान बना दी हमने घर में। पूरा तेल तेल वाप स्मेल आ रहा है। हाँ, वो भी ऐसे बहुत बड़ी कढ़ाई में ऐसे डाल रहे होते हैं, देखने में मजा आता है। और अभी मैं कर रही हूँ तो भी बड़ा मजा आ रहा है। और अभी इसको हम करेंगे टर्न पल्टी। तो ये दोनों साइड से प्रॉपर हो जाएगा। मस्त मौज कर दी मजे। और ये हो गई से ट्रांसफर, जो बचे कुछ है इसके भाई बहन, भाई बहन घर वाले हैं उन लोगों को भी बचा लेते हैं तेल में से। आ गई है शेव बाहर, और उसके बाद हम डालेंगे ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट मसाला है, तुरंत निकालने के बाद उसके ऊपर डाल दे तो वो थोड़ा तेल का जो मॉइस्चर होता है उसकी वजह से चिपक जाता है। एंड इट टेस्ट गुड। अभी हम करेंगे एक टेस्ट, ये देखिए। और ये फर्स्ट क्लास मस्त लग रहा है। ये जो ऐसे आवाज आ रही है ना खाने कुचुर, में कुचुर। बहुत मजा आ रहा है। कुडुम कुडुम मस्त बनी एकदम। वाह वाह सेव शेफ। तो यस, हमारा नाश्ता मोस्टली डन, वो है चचिवड़ा और शेव। तो बाहर से तो लाइक मोस्टली नाश्ता सब खाते ही है, तो हमने सोचा इस बार कुछ घर पे ही बनाते हैं, चल कुछ अलग करते हैं। तो अभी आप चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को तो लाइक कर ही दीजिए, और शेयर कर दीजिए सबके साथ जो भी देखता है यूट्यूब। आपको पता है इसके ऐप है यूट्यूब का, फोन में शेयर के देखो देखो भाई ये वीडियो देखो, ऐसे करके सबको शेयर कर दीजिए। तो ये है प्राप्ति, और ये भी इंस्टाग्राम पे मस्त मस्त देखे, जो ट्रेंडिंग ऑडियो और सब जो रील्स होती है ना वो बनाती है। आय मजा ही आ जाता है। तो ये यूट्यूब वाले और हम इंस्टा वाले, और हमारी जुगलबंदी चल रही है, मजा आता है। यस, इसीलिए मजे के लिए तो कर रहे हैं, हमको कुछ किधर है कुछ अलग ऐसे है, कुछ अलग। यस, आप लोग देखो उधर, फैमिली देखे, सब देखे, मजा करो, दैट्स इट, नो अदर इंटेंशन। और जो हमने बात की थी बिग बॉस रिव्यूज के लिए, तो मैंने पहले सोचा थोड़ा कि ये ब्लॉग में ही डाल दूं, बट देन आई थॉट लाइक सबको पसंद नहीं आता है बिग बॉस, सब नहीं देखते, तो लेट्स कीप इट अ डिफरेंट वे, सेम चैनल डिफरेंट वीडियो ओनली फॉर बिग बॉस। So stay tuned, something coming up, and yes, till then take care, ख्याल रखे अपना, सबका, अपनों का, उनके अपनों का। yes, enjoy, holiday season है, साल भी खत्म हो रहा है, तो take care, तब तक के लिए जय गणेश, peace.